आवर यूट्यूब चैनल एबी एडुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 14 जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटर। तो आज एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ स्क्वायर व्हिच विथ डायगोनल्स 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज नीडेड टू मेक अ काइट गिवन इन द फिगर। तो कितना पेपर रिक्वायर पड़ेगा ताकि इस काइट को बनाने में, यही बता रहा है। तो सबसे पहले हम इसको दिया हुआ कैसा, स्क्वायर शीट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर निकालेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर शीट क्या होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर शीट निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर शीट 1/2। यहां पर स्क्वायर शीट के लिए हो जाएगा, यहां पर 44 × 44 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएंगे 22, यानी क्या आ जाएगा 22 × 44 इक्वल आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह सिर्फ किसका आया, ये आपका स्क्वायर शीट का एरिया आया, ठीक है ना। ये स्क्वायर शीट का एरिया निकाले हैं। अब देखिए उसके बाद क्या निकालेंगे, सिंपल निकालेंगे कि एरिया ऑफ येलो शीट, येलो शीट के लिए निकालेंगे। तो यहां पर येलो शीट के लिए 1/2 × 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा 400। यहां पर देखिए 484 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहां पर कितना आ जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए यहां पर एरिया ऑफ रेड के लिए निकालेंगे, एरिया ऑफ रेड शीट के लिए, रेड शीट के लिए क्या निकालेंगे, रेड शीट के लिए आपको निकालना होगा एरिया। तो रेड शीट के एरिया देखिए तो यहां पर ए है, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि फोर्थ में आ रहा है, इंटू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक कैंसिल होगा तो 242 आ जाएगा, 242 यानी कि 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया रेड शीट का। अब नाउ इन ट्रायंगल चलेंगे आगे, इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, एईएफ में चलेंगे, एईएफ में क्या होगा। यहां पर देखिएगा हेयर मान सकते हो, हेयर ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहां से सेमी पेरीमीटर आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एस यहां से निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, क्या आ जाएगा 20 + 14 + 20, ये आपको इस तरह से आ जाएंगे। कितना आएंगे दोस्तों, देखिए यहां पर 4 आएगा यानी कि 54 आएगा, यानी कि 27 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका एरिया तो निकाल सकते हो ना, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ का क्या होगा हीरोंस फॉर्मूला में, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। आई थिंक यहां तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए। देखिए उसके बाद एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों 27, तो 27 × 20 आपका हो जाएगा 14 × 20। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा 27 × इस तरह से आ जाएगा, तो आपको सिंपल सा आ जाएगा 27 × 7 × 13 × आपको ये 7 आएगा, इस तरह से आएगा। नौ यहां तक तो समझ में आ गया, हमें करना था सो। अब ये और देखिए करेंगे क्या, यहां पर निकालेंगे क्या आया 27 × 7 × 13 × 7 आया। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, फैक्टर में इसे तोड़ रहा हूं, तो यहां पर से देखिए यहां पर फैक्टर तोड़ेंगे, तो फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 × 3 × 7 × 13 × 7। यहां से आपको क्या निकलेगा 3 निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा 7 निकलेगा, और ये रूट आ जाएगा 39, ठीक है ना। तो आ जाएगा 21 × √39 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहां से देखिए यहां पर ये आपको तो रूट आ गया, सिंपल है। तो आपको क्या करेंगे 21
इंटू 6.25 सेंटीमीटर यहां पर करते हैं, तो आपको इस तरह से आपको आएगा। तो अगर करोगे तो क्या आएगा, यहां पर सिंपल सा क्या आ जाएगा, 131.25 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां से गेन हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसका एरिया क्या गेन होगा, ये आपका इसका एरिया गेन हो गया, इसका एरिया यहां पर इतना गेन हो गया। आई थिंक यहां से समझ में आ गया होगा। नाउ उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे सिर्फ रेड शीट का। तो रेड शीट का एरिया क्या होगा, यहां पर एरिया ऑफ रेड शीट, रेड शीट का एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर रेड शीट का 1/4 इंटू क्या करेंगे 968 इंटू 1, ये हो जाएगा 25। ठीक है ना, ये कैंसिल होगा 242, तो यहां पर क्या हो जाएगा 242 प्लस, यहां पर प्लस होंगे प्लस 313.25, तो आपको क्या आ जाएगा, सिंपल सा आ जाएगा 373। देखिए ध्यान से 373.,  यहां पर आपको 11 आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आपको इस तरह से आपको सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये आपको इस तरह से सेंटीमीटर यहां से गेन हो जाएगा। आप गेन होने पर देखिए तो कोई कहीं पर मिस है नहीं, यहां पर इस तरह से आपको एरिया गेन हो जाएगा, आपको यहां पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से एरिया गेन हो गया। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।